Hello students, this is lecture number 10 on chapter AC circuits. In today's lecture, let us discuss about the resonant circuits. Resonance ka meaning aapne already chapter superposition of waves yani sound section mein padha hai. There you already studied the meaning of free vibrations, force vibrations and resonance. वह आपको पता, मैं थोड़ा 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ. फ्री वाइब्रेशंस का मतलब है व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इट परफॉर्म्स वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस. दोज ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस आर कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशंस. Because force is applied on the body is external unbalance. So applying that force once, we allow the body to vibrate. That is why vibrations are called as free vibrations. Free vibrations mein kya hota hai? The body vibrate with one of its natural frequency. The body vibrate with one of its natural frequency. क्योंकि हम लोगों ने उसको vibration के लिए freedom दिया है. With what frequency it vibrate is determined or decided by its physical dimensions. मतलब उसका length, उसका mass, उसका surface area. They decide the frequency of vibration. Free vibrations में क्या होता है? The body itself vibrate. So body performs the work against the resistive forces of surrounding medium. So there take place the loss of energy and amplitude of vibration goes on decreasing. So in free vibrations, the vibrations are damp vibrations. Vibrations with a decrease in amplitude and decrease in called as energy. Ye ho gaye free vibrations. जैसे आपने चाइल्ड स्विंग को एक बार पुश किया एंड अलो किया ऑसिलेट होने के लिए, तो वाइब्रेशंस ऑफ चाइल्ड स्विंग आर कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशंस. क्योंकि आपने एक ही बार पुश किया और उसको अलो किया कि अभी आप वाइब्रेट होते रहो, दोज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड फ्री वाइब्रेशंस. तो फ्री वाइब्रेशंस में बॉडी अपना प्रेजेंट डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली वाइब्रेट होती है. वाइब्रेशंस में खुद अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स काम होता है, तो उसका एम्पलीट्यूड और एनर्जी डिक्रीज होता है. सो वाइब्रेशंस आर डैम्प वाइब्रेशंस. हाँ, अगर हम लोगों ने चाइल्ड स्विंग को हर एक ऑसिलेशन के बाद पुश करना स्टार्ट रखा, इफ वी कंटिन्यू टू पुश द चाइल्ड स्विंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन ऑसिलेशन, तो अभी हो गया बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स विच इज अप्लाइड आफ्टर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. तो मैं इसको पीरियोडिक वाइब्रेशंस बोलता हूँ. सो हियर वी आर नॉट अलोविंग द स्विंग टू वाइब्रेट, वी आर फोर्सिंग द स्विंग टू वाइब्रेट. सो सच अ वाइब्रेशंस ऑफ चाइल्ड स्विंग आर कॉल्ड एज फोर्स वाइब्रेशंस. क्योंकि हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, अभी अनबैलेंस नहीं रहा. सो दोज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशंस. तो फोर्स वाइब्रेशंस में क्या होता है? विथ व्हाट रेट एनर्जी लॉस अदरवाइज टेक प्लेस अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस, एजेंट इज गिविंग राइज द पुश आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. तो यहाँ वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है. So such vibrations are called as undamped vibrations. दूसरी बात, यहाँ पे the body vibrate with the frequency of external periodic force. उसको अपने natural frequency के according vibrate होने को allow नहीं करते. So such vibrations are called as force vibrations. Because we are forcing it to vibrate. को अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं हो पाते. सो इट वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स. तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस कम रहता है. हाँ, अगर हम लोग वाइब्रेटिंग बॉडी के डायमेंशंस बदलते गए,
इफ वी कंटिन्यू टू चेंज द डायमेंशंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बदलते जाएगा. एंड इट मे हैपन दैट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. मानो दोनों मैच हो गए, देन द बॉडी वाइब्रेट्स विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. That is called as resonance. That is called as what? Resonance. क्योंकि जिस frequency से आप force कर रहे हैं उसको vibrate होने के लिए, वो उसी frequency से vibrate होने के लिए ready है. मतलब उसका present dimensions का accordingly उसका frequency उतना ही है with which you want to vibrate it. तो दोनों frequency match हो जाते हैं. तो amplitude of vibration is maximum. Such vibrations are called as रेजोनेंस. ये पर्टिकुलर केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन से. जैसे आप सोनोमीटर पे पेपर राइडर रखते हो दो नाइफ एज के बीच में, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज केप्ट ऑन द डेस्क ऑफ सोनोमीटर. तो एज लॉन्ग एज पेपर राइडर इज वाइब्रेटिंग नॉट थ्रोइंग डाउन आर कॉल्ड एज द फोर्स वाइब्रेशन. आपने रखा, यू आर फोर्सिंग दैट वायर एंड हेंस द पेपर राइडर टू वाइब्रेट रिगरसली, उनको हो गए फोर्स वाइब्रेशंस. जब आप लेंथ बदलते जाते हो, तो जब आप लेंथ बदलते हो इसका मतलब आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग बदलते हो. एक पर्टिकुलर एडजस्टेड लेंथ पे क्या होता है, पेपर राइडर रिगरसली वाइब्रेट होता है और गिर जाता है. इसका मतलब उस एडजस्टेड लेंथ का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क से मैच हो गया है, तो फोर्स वाइब्रेशन ही. लेकिन ये पर्टिकुलर केस है, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो गए. मतलब जैसे सर ने आपको बोला कि कल टेस्ट देना है और आपने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया, आपका टेस्ट का रिजल्ट अच्छा ही आएगा. दैट इज द केस ऑफ रेजोनेंस. तो यहाँ हम लोग रेजोनेंस का ही एक एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में. दो रेजोनेंस है, एलसीआर सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस. LCR अगर ये सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये रेजोनेंस सिग्नल एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है, और LCR अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो सिग्नल रिजेक्ट करने के लिए यूज होता है. तो अपने जो ट्रांजिस्टर डिवाइस है, एम्पलीफायर डिवाइसेस है, इसमें सिग्नल एक्सेप्टेंस और सिग्नल रिजेक्शन दोनों साइमल्टेनियसली वर्क होते हैं, तो वहाँ इनका यूज किया जाता है. कैसे देखो डायग्राम में, इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर. अब इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी, रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स ऑफ एसीईएमई. तो यहाँ अपोजिशन इंट्रोड्यूस बाय द इंडक्टर इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, अपोजिशन इंट्रोड्यूस बाय द कैपेसिटर इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी, अपोजिशन इंट्रोड्यूस बाय द रेजिस्टर इज रेजिस्टर. ये तीन अपोजिशन है, कंबाइन अपोजिशन इज कॉल्ड एज इम्पेडेंस. दिस इज द इम्पेडेंस गिवन, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स द होल स्क्वायर. ये एक्सएल का वैल्यू है, ये एक्ससी का वैल्यू, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसीईएमई. नाउ व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज आई आर एम एस इज ई आर एम एस अपॉन जेड. तो आप आई जीरो भी ले सकते हो, आई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन जेड. इट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन अपोजिशन. अभी आप ये दोनों फॉर्मूला देखोगे तो क्लियरली समझ में आ रहा है, फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जब कम रहेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा रहेगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या, सॉरी मैंने गलत बोला, देखो एट लोअर फ्रीक्वेंसी एसीएमएफ का फ्रीक्वेंसी जब कम रहेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा रहेगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रहेगा. अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ एसीईएमएफ बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसीईएमएफ कैसे बढ़ाएंगे,
फ्रीक्वेंसी कहाँ से जनरेट होता है? व्हेन यू रोटेट द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, अगर हम लोग कॉइल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड हेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, आरपीएम बढ़ाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल डिक्रीज एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज. कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल डिक्रीज, इंडक्टिव रिएक्टेंस विल वॉट इंक्रीज. तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों सेम हो जाएंगे. जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों सेम हो जाएंगे तो सर्किट का रिएक्टिव पार्ट जीरो हो जाएगा. जेड बिकम्स आर, सर्किट बिकम्स रेजिस्टिव. तो यहाँ जेड की जगह आर आएगा, सो सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, सॉरी इम्पेडेंस मिनिमम हो जाएगा, यानी सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा. सो मैक्सिमम करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट. दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस व्हेन एल सी आर आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो जब XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा, तो दैट कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ACEMF इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो एट दिस फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो भी सिग्नल रहेगा करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी, वही सिग्नल अपना ट्रांजिस्टर डिवाइस एक्सेप्ट करेगा. जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अपने ट्रांजिस्टर एंटीना पे कितने सारे सिग्नल्स आते हैं और अपना ट्रांजिस्टर का मैनुअल रहता है, जैसे FM रहेगा, वो रहेगा 87 से लेकर 109 तक, ये कितने सारे फ्रीक्वेंसीज है, और मानो आपको 93.1 सुनने का है, राइट? तो आने वाले फ्रीक्वेंसीज में 93.1 भी है और आपके जो कैलिब्रेशन है ट्रांजिस्टर में उसमें भी 93.1 है. तो आप इतने सारे फ्रीक्वेंसी जो रिसीव हुए उनको लेके वो ट्यूनर को रोटेट करते हो. तो जैसे ट्यूनर का जो पॉइंटर रहेगा वो 93.1 पे आ जाएगा, 93.1 का सिग्नल एक्सेप्ट हो जाएगा, बाकी सिग्नल रिजेक्ट हो जाएगा. तो जो सिग्नल एक्सेप्ट होगा दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. क्योंकि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जैसे एक्सेप्ट होगा, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर बिकम्स मैक्सिमम एंड यू हियर अ लाउड एंड क्लियर साउंड. तो इस एक्सेप्टेंस के लिए आप LCR सर्किट इन सीरीज यूज करते हैं और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज है उनको रिजेक्ट करने के लिए LCR सर्किट पैरेलल वाला एट द सेम टाइम यूज किया जाता है. दिस इज हाउ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस वर्क एट अ टाइम. ठीक है, वापस बोलता हूँ, ये इम्पेडेंस आ गया LCR सर्किट में. जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ACEMF कम रहेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा रहेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रहेगा. अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा. मतलब जैसे आपने ट्यूनर को 87 पॉइंट से शुरू किया और 93 की तरफ जा रहे, तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो एक सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा. जैसे 93.1 आ जाएगा तो उस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों रिएक्टेंस सेम हो जाएंगे, सर्किट का अपोजिशन मिनिमम मतलब आर हो जाएगा, जेड बिकम्स आर, मैक्सिमम करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट. तो इस सिचुएशन में जो सिग्नल आपको एक्सेप्ट करना था वो एक्सेप्ट हो जाएगा. तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी भी इतना ही है वही सिग्नल एक्सेप्ट होता है, बाकी सिग्नल रिजेक्ट हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ दिस सिग्नल मैक्सिमम करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट. तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 93.1 पे जो सिग्नल आ रहा है वो हम लोग क्लियरली सुनते हैं या देखते हैं. दिस इज द सीरीज रेजोनेंस. अभी हम लोग इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. ये देखो XL इज इक्वल टू XC, तब Z हो जाएगा R और IRMS हो जाएगा ERMS अपॉन Z था, अभी हो जाएगा R. आइडियल केस में ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब यू विल हियर अ सिग्नल विदाउट द रिपल्स एंड डिस्टॉर्शंस. जब ये आर भी नहीं रहेगा या जीरो रहेगा तो, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कंपोनेंट्स है, सॉल्डरिंग है, तो थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा. तो व्हेन XL इज इक्वल टू XC, व्हाट इज XL, ओमेगा L, एंड व्हाट इज XC, वन अपॉन ओमेगा C, इक्वेट करो
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी, स्क्वायर रूट ले लो, ओमेगा इज स्क्वायर रूट एल सी, बट वॉट इज ओमेगा, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट इट टू पाई इन टू एफ, आर सब फिक्स है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, टू पाई भी राइट हैंड साइड में ले लो, तो ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फर्क, क्लियर। ये हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते, देखो अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का तो क्या होगा, देखो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को मिनिमम वैल्यू से इंक्रीज करते जा, जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा तो शुरू में कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा रहेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रहेगा, लेकिन जैसे मैं राइट में डिस्प्लेस हो रहा हूँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ रहा है। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों सेम हो जाएंगे, जैसे दोनों सेम हो जाएंगे तो यहाँ एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा, सर्किट में खाली रेजिस्टेंस बचेगा प्रैक्टिकली, तो करंट बिकम्स व्हाट, मैक्सिमम। अगर रेजिस्टेंस भी नहीं रहता तो करंट बिकम्स इनफाइनाइट, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल। उसके बाद अगर आप वापस फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चालू करोगे तो क्या होगा, दोनों क्रॉस हो गए, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ने लगा तो वापस करंट कम होने लगेगा, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का लेफ्ट में सर्किट इज कैपेसिटिव, राइट में सर्किट इज व्हाट, इंडक्टिव, एंड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट इज व्हाट, रेजिस्टिव, ऐसे। हाँ, इसका उल्टा देखो, अगर मैंने इम्पेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया तो ये इम्पेडेंस मिनिमम कब रहेगा, जब रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा सर्किट में तो ये टच हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, मतलब हम लोग ट्रांजिस्टर जो यूज करते हैं विद द टाइम ड्यू टू मॉइस्ट ड्यू टू ट्रॉपिकल रीजन ये बदलते रहते हैं, तो सर्किट में जैसे जैसे सॉल्डरिंग या कार्बन डिपोजिशन की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे इम्पेडेंस बढ़ता है, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट गोज ऑन डिक्रीजिंग, और जो हम लोग सुनते हैं उसमें हमें डिस्टॉर्शन सुनाई देते हैं। ये ग्राफ आपको सिलेबस में नहीं है, ये आप अकेला प्रिपेयर करो, खाली उल्टा सर्किट रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, ई अपॉन आर है ना, आर बढ़ेगा तो करंट कम होते जाएगा, आर आपको बाहर से नहीं बढ़ाना है, वो डिवाइस अगर आप टाइम के साथ यूज नहीं करोगे, जैसे मुंबई जैसे ट्रॉपिकल रीजन है तो यह मॉइस्ट है, कार्बन डिपोजिशन होता है तो ये अपने आप आ ही जाता है, तो हम लोग को जो नॉइज सुनाई देता है साउंड उसमें डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस होने लगते हैं बिकॉज ऑफ मिनिमम करंट, तो ये प्रिपेयर करो। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखने के लिए काम आएंगे। एट रेजोनेंस सर्किट इंपेडेंस बिकम मिनिमम, इफेक्टिव इंपेडेंस बिकम व्हाट, रेजिस्टेंस, फेज एंगल क्या हो जाएगा, अगर सर्किट रेजिस्टिव हो गया तो पावर फैक्टर वन हो गया, इसका मतलब फेज एंगल फाइव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सर्किट में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा, जैसे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट कम होगा, अंडरस्टूड है। और ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, अगर आपको लाउड एंड क्लियर साउंड की है तो हम लोग यहाँ वोल्टेज को मैग्नीफाई करते हैं, करंट नहीं, यहाँ वोल्टेज को मैग्नीफाई करते हैं, आपने सुपर पोजिशन में पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग एम्पलीट्यूड को एनहांस करते हैं, और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस में एनहांस होता है, मतलब जैसे आपने सोनोमीटर में एक पर्टिकुलर लेंथ पे पेपर राइडर रखा, ट्यूनिंग फोर्क रखा, तो पेपर राइडर रिगरसली वाइब्रेट होकर गिरता है, क्यों गिरता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर लेंथ पे एक सिंगल स्टेशनरी वेव लूप फॉर्म होता है जिसका एंटीनोड मिडल में होता है, तो पेपर राइडर ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है, इसका मतलब उस एक लूप का फ्रीक्वेंसी और फोर्क का फ्रीक्वेंसी मैच हो गए, रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गया, वहाँ भी लूप तो दिखाई नहीं देता है मेटल में, तो रियलाइज करने के हम लोग पेपर राइडर रखते हैं, पेपर राइडर अगर रिगरसली वाइब्रेट होकर गिर गया तो हम लोग कंक्लूड करते हैं कि चलो रेजोनेंस प्रोड्यूस हुआ, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है, वहाँ पे हम लोगों ने एम्पलीट्यूड को एनहांस किया, वैसे यहाँ पे वोल्टेज एनहांस कर, मतलब जैसे 93.1 पे हम लोग आ गए हम लोग को लाउड एंड क्लियर साउंड सुनाई देता है, सो बाय पासिंग द मैक्सिमम करंट हम लोग वी को एनहांस करते हैं, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर, आर तो फिक्स है सर्किट का, तो इंक्रीजिंग आई वी को मैग्नीफाई किया जाता है, तो ये सर्किट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एक्सेप्ट करती है बाकी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल डिनाई करती है, इसलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोला जाता है। ओके? अभी पैरेलल सर्किट इसके अलोंग साइड मतलब साइमल्टेनियसली ही एक्ट होता है,
कैसे एक्ट होता है। इस डायग्राम में इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स ऑफ एसी ईएमएफ। तो करंट जो डिलीवर्ड होगा, लेट करंट डिलीवर्ड इज आई, दिस करंट इज अराइविंग एट द जंक्शन। ये करंट दो में डिवाइड हो जाएगा, करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर आ जाएगा, राइट। अभी जो करंट इंडक्टर में से जा रहा है, ये करंट अक्रॉस द इंडक्टर जो ईएमएफ है कंपेयर टू दैट पाई बाय टू से लैग करता है, और जो करंट कैपेसिटर में से जा रहा है ये करंट कंपेयर टू ईएमएफ अक्रॉस द कैपेसिटर से पाई बाय टू से लीड करता है। मतलब इसके अक्रॉस ईएमएफ और इसके अक्रॉस ईएमएफ अभी तो सेम रहेगा बिकॉज पैरेलल में है, तो ये करंट पाई बाय टू से लैग करता है, ये करंट पाई बाय टू से लीड करता है। कैसे देखें, मानो दोनों के अक्रॉस का ईएमएफ इतना है, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो इंडक्टर में से कितना करंट जाएगा, पाई बाय टू से लैग होने वाला, ये देखो आई एल इज इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। बट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इज व्हाट, कॉस ओमेगा टी। और मैक्सिमम करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन अपोजिशन, इंडक्टर है तो अपोजिशन आएगा एक्स, ये फॉर्मूला। कैपेसिटर में से जा रहा है वो करंट क्या रहेगा, पाई बाय टू से लीड करेगा, तो ये देखो आई जीरो इक्वल टू आई सी इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू क्योंकि लीड कर रहा है। बट आई जीरो का रिप्लेसमेंट क्या आएगा, ईएमएफ अपॉन अपोजिशन, अपोजिशन रहता है इंडक्टिव रिएक्ट, ये आ गया। ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है, अभी ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू हो जाएगा कॉस पाई बाय टू, तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाय टू, ये माइनस था साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये आएगा पाई बाय टू। ये दोनों करंट आ गए, ये माइनस वाला ये प्लस। अभी ये टोटल करंट है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, करंट जो है ये माइनस साइन है लैग की वजह से, ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया। ये जो ब्रैकेट में ये देखो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन अपोजिशन होता है, तो इस ब्रैकेट का रेसिप्रोकल वैल्यू रहेगा अपोजिशन। तो ये ब्रैकेट का रेसिप्रोकल वैल्यू ये रहेगा अपोजिशन, जिसको बोला जाएगा इम्पेडेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन अपोजिशन। तो इस ब्रैकेट को मैं अगर डबल डिनोमिनेटर बनाऊं तो मुझे पावर रेस टू माइनस वन करना पड़ेगा, तो ये आएगा ब्रैकेट का रेसिप्रोकल वैल्यू आएगा अपोजिशन। ये देखो ई जीरो अपॉन आई जीरो, ये ब्रैकेट इधर जाएगा वन अपॉन में, तो हो जाएगा इम्पेडेंस, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करो, लोअर फ्रीक्वेंसी से कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा रहेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रहेगा। एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ये कम होगा ये बढ़ेगा, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाएंगे, तो ये ब्रैकेट वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, बट जेड इज इक्वल टू जीरो का रेसिप्रोकल वन अपॉन थ्री हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ब्रैकेट का अपोजिशन हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर ब्रैकेट का अपोजिशन इन्फिनिटी हो जाएगा तो दैट सर्किट विल नॉट अलो एनी करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो सर्किट का इम्पेडेंस अगर इनफाइनाइट हो गया, सर्किट विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू, तो जो भी सिग्नल आप अलाउ कर रहे हैं वो सिग्नल रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब 93.1 एक्सेप्ट होता था बाकी सिग्नल को रिजेक्ट करने के लिए, यही सर्किट अलॉन्ग साइड एक्ट होता, क्योंकि तो बाकी सिग्नल्स के लिए 93.1 छोड़ के जो भी है वो सब ब्लॉक हो जाते हैं, तो जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी ब्लॉक हो जाता है। ये आइडियल केस है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली होगा क्या, देखो प्रैक्टिकली इसका अपना थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, प्रैक्टिकली इसका अपना थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्मॉल रहेगा, लेकिन रहेगा तो सही, सो बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल रेजिस्टेंस करंट जीरो न होने के बजाय मिनिमम रहेगा, तो मिनिमम करंट फ्लोस थ्रू दैट सर्किट और 100% रिजेक्शन नहीं आता। इसीलिए जब हम लोग एफएम सुनते हैं ना तो हमें लाउड एंड क्लियर नॉइज तो आता है, बट विदाउट डिस्टर्ब डिस्टॉर्शन पॉसिबल नहीं, थोड़े डिस्टॉर्शंस आ ही जाते हैं।
क्योंकि इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होते रहता है, और जैसे जैसे टाइम पास होगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से इनका रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो डिस्टॉर्शंस का एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है, इसीलिए हमें क्लियर साउंड सुनाई नहीं देता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शंस। सो प्रैक्टिकली जेड इनफाइनाइट नहीं होगा, प्रैक्टिकली जेड मैक्सिमम होता है, तो सिग्नल 100% रिजेक्ट नहीं होता है, सिग्नल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। तो देखो व्हेन जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी आई टेंड्स टू जीरो, ये इन्फिनिटी होगा नहीं तो ये भी जीरो नहीं होगा, ये मिनिमम है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने सीरीज में डिराइव किया, एज इट इज लिख लेने का। देखो अगर हम लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो गए, सर्किट का इम्पेडेंस अगर जीरो हो जाएगा तो ये जो ग्राफ है ना ये एक्स एक्सिस को यार टच करेगा आइडियल केस। लेकिन मैंने बोला दोनों मटेरियल है, रेजिस्टेंस आएगा तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट थोड़ा सा मिनिमम रहेगा, क्योंकि जेड इनफाइनाइट नहीं होएगा मैक्सिमम रहेगा, तो करंट जीरो नहीं होएगा मिनिमम रहेगा ऐसे। हाँ अगर आप उसमें रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो इम्पेडेंस वापस कम होते जाएगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो इम्पेडेंस कम होगा। देखो रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, आप लोग बढ़ा रहे हैं ना, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इम्पेडेंस क्या होगा, यहाँ देखो अगर इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या आएगा, पैरेलल में इम्पेडेंस कम होगा। अगर क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाना मतलब करंट पासिंग थ्री गोज ऑन व्हाट इंक्रीजिंग, क्योंकि इफेक्टिव करंट रेजिस्टेंस और कम होते जाएगा, दैट इज वाई वो सिग्नल डिनाई हो जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उधर के और इधर के कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करो तो डिस्टिंग्विश बिटवीन तैयार हो जाएगा। एट रेजोनेंस सर्किट इम्पेडेंस इज मैक्सिमम, वहाँ रेजिस्टेंस था इम्पेडेंस था मिनिमम, वहाँ इफेक्टिव इम्पेडेंस जेड कितना था आर था, यहाँ कितना है एल अपॉन सी आर, वहाँ फेज एंगल जीरो था यहाँ पे भी फेज एंगल जीरो है, वहाँ पावर फैक्टर वन था यहाँ भी पावर फैक्टर वन है, वहाँ करंट मैक्सिमम था या करंट मिनिमम है, वहाँ वोल्टेज मैग्नीफाई हुआ था यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज की वजह से करंट मैग्नीफाई किया गया है, वहाँ रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो करंट कम होता है या उल्टा है करंट डिक्रीज होता है। ये सिग्नल को रिजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको रिजेक्टर सर्किट बोला जाता है। ठीक है, अभी इस चैप्टर में एक या दो टॉपिक बाकी है बुक में, लेकिन वो टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट किए गए, इसलिए मैं टॉपिक आपको डिस्कस नहीं करेगा रेगुलर लेक्चर में, खाली उसका फॉर्मूला रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे जब एमसीक्यूज लेंगे। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चैप्टर एसी सेट। थैंक यू।